मध्य प्रदेश में महिलाओं, बच्चों और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। हालात यह है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें मध्य प्रदेश नंबर वन पर है। इसके अलावा नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मामले में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है, जो अब 8,339 पर पहुंच गई है। उक्त आशय के विचार कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी सुरेश पचौरी ने तंदूरी डिलाइट में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठी घोषणा करता है, जिसके कई उदाहरण बैतूल जिले में सामने आया है। ताप्ती कॉरिडोर बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कहीं नहीं बना। मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय चिचोली में कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन नहीं बनाए गए। सारी में पावर पॉइंट बनाने की घोषणा की गई, लेकिन उसका बजट अलर्ट नहीं हुआ है। पादाखेड़ा में नई खदान खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन नहीं खोली गई। जिसका जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। पचौरी में प्रदेश स्तर के मुद्दे उठाते हुए कहा कि प्रदेश में 12,000 घोषणाएं की गई है, जो पूरी नहीं हुई है। इनमें घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात हुई है, लेकिन नहीं हुआ। खेती लाभ का धंधा नहीं बन पाया। प्रदेश में 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी झूठे वायदे करने का आरोप लगाया। पचौरी ने कहा कि देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई, जो पूरी नहीं हुई। लोगों से वायदा किया कि 15,000 रुपए महीने उनके खाते में जाएंगे, जो पूरा नहीं हुआ। किसान संगठनों ने आंदोलन किए, कृषि उपज को समर्थन मूल्य दिया जाए, लेकिन यह मांग भी पूरी नहीं हुई। बुलेट ट्रेन की बात की गई, जो सही नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नोटबंदी की जानकारी सरकार के वित्त मंत्री को भी नहीं थी। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे हैं। पचौरी ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने वचन पत्र में जो वायदे किए थे उसके अनुसार 15 महीने की सरकार में 27,000 किसानों को कर्ज माफ किया, 87% लोगों के बिजली बिल कम किए। अब कांग्रेस की सरकार बनने पर नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए एक गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। जब हम प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने प्रदेश वासियों से क्या वादे किए थे। लगभग 22,000 घोषणा उन्होंने की, कितनों का पालन हुआ खुद अधिकृत जानकारी आप शासकीय स्तर पर ले लीजिए, वो पूरी नहीं हो पाई। एक घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही गई थी, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाए। सबको आवाज देने की बात कही गई थी, वो पूरा नहीं हो पाया। 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई थी, वो पूरी नहीं हो पाई है। महिलाओं को फ्री बस आवागमन की सुविधा, बस में आवागमन की सुविधा देने की बात कही थी, वो पूरा नहीं हो पाया। खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही गई थी, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ खाद और बीज की और किसान पर कर्ज की क्या हालत है। सोसाइटी में जब वो लेने जाता है तो वहाँ क्या स्थिति है। नर्मदा मैया में सीवेज प्लांट लगाने की बात कही थी और उसको जीवित इकाई बनाने की घोषणा उन्होंने विधानसभा में कही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब बात आती है नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी ने के राज में तो वही स्थिति है जो अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत से बहुत कुछ परिलक्षित होता है। प्रतिवर्ष मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, वो उपलब्ध नहीं हो पा। उन्होंने हरेक के अकाउंट में 15,00,000 रुपये भेजने की बात कही थी, वो नहीं हो पाया है। 2022 तक सबको आवास सुविधा देने की बात कही थी, ये 2023 चल रहा है, सबको आवास नहीं मिल पाया। इसके अतिरिक्त कृषि उपज का 1.5 गुना जो समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, आप जानते हैं हमारे अन्नदाताओं ने समय समय पर हरियाणा में, दिल्ली में शांतिपूर्ण आंदोलन किए, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस की उनकी जो मांग थी वो पूरी नहीं हो पाई। बुलेट ट्रेन कहाँ चली, कितनी चली,
इसकी जानकारी हमसे ज्यादा हम आप ही के द्वारा पेपर से पढ़ते हैं, वो अभी तक सही उपलब्ध नहीं हो पाया है। नोटबंदी का जब फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उसकी जानकारी तत्कालीन वित्त मंत्री को भी नहीं थी, यद्यपि वो अब दिवंगत हो गए, लेकिन हम और वो राज्यसभा में रहे